सब्सक्राइब कीजिए इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल को इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और इस घंटी को दबाइए ताकि आप पास के हर नई सरकारी नौकरी एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट से जुड़ी सूचनाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। आज की इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी MR मैट्रिक रिक्रूट के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कब आपका एग्जाम होगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो इस वीडियो में सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी नेवी MR मैट्रिक रिक्रूट के फॉर्म जो है अप्लाई करने जा रहे हैं दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कल से भरे जाएंगे, कल आपको जो वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले काम होता है आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद दोस्तों उसकी प्रिपरेशन करना, एग्जाम के लिए तैयारी करना, और उसके बारे में जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसके बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड की। सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो टाइम है वो सेप्टेम्बर तक का है, सेप्टेम्बर में आपका जो है एग्ज़ाम होगा, और दोस्तों अर्ली अगस्त यानी अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड वीक, या फिर दोस्तों मान के चलिए अगस्त में आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो MR होता है, मैट्रिक रिक्रूट्स होता है, डी ग्रुप की पोस्ट होती है, इसमें आपको स्टेवर्ड हाइजीनिस्ट सेप की पोस्ट मिलती है। तो अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। मान लीजिए दोस्तों आपने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर ली है, अब आपको बताते हैं कि आपका जो सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा यानी आपके एडमिट कार्ड में आपकी जो है एग्ज़ाम की डेट बताई जाएंगी, उसके बाद आपको जो है पर्टिकुलर सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाना है, वहाँ पर आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस होगा। दोस्तों आपके इस पेपर में जो है दो सेक्शंस होंगे, साइंस और मैथमेटिक्स का, यानी एक तो होगा आपका साइंस का, टेंथ बेस की साइंस का, और दूसरा होगा मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज का, जो कि आपकी टेंथ बेस ही रहेगा, मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स रहेगा, जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे, सिलेबस भी बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों इसकी टाइम ड्यूरेशन आपकी होगी 30 मिनट्स की, यानी आपको आधा घंटा दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपका जो है क्वालिफाई हो गया, आपने एग्ज़ाम जो है दे दिया, उसके एक डेढ़ घंटे बाद ही दोस्तों आपका ऑन द स्पॉट रिजल्ट बता दिया जाएगा। अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो दोस्तों आपको जो है PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए वहीं पर जो है ऑन द स्पॉट बुलाया जाएगा, और दोस्तों उसमें आपका 1600 मीटर रन यानी 1.6 किलोमीटर रन आपको जो है 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, 20 स्क्वाड्स अप उठक बैठक लगाने होंगे, 10 पुशअप्स लगाने होंगे, ये टोटल आपका फिजिकल है। दोस्तों अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपकी जो है काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों मान लीजिए आपका रिटन टेस्ट हो गया, फिजिकल हो गया, अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में आपकी दोस्तों हाइट मापी जाएगी, 157 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट एक्सपेंशन यानी चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, और बाकी चीज़ें जैसे दोस्तों आपके फिजिकली मापते हैं जैसे कि हैंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों, ब्लड शुगर, ECG, इस प्रकार के दोस्तों आपके जो है सारी मेडिकल में करवाई जाएंगी। मेडिकल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा अगर मेडिकल देखना चाहते हैं। दोस्तों आप मान लीजिए आपका सब कुछ जो है हो गया है, फिर आपको जो है एक मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी जिसमें आपके नाम होंगे, तो आपको जो है INS चिल्का में बेसिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आप इसकी जो है प्रिपरेशन किस प्रकार करें। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका जो है ऑफिशियल सिलेबस दिखाने वाला हूँ, उसका जो है आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन कर लीजिए, अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो दोस्तों जो सिलेबस है उसमें आपका जो है बेसिकली रहने वाला है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऑफिशियल सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस फॉर मैट्रिक रिक्रूट्स MR। दोस्तों आपके दो सेक्शन है, सेक्शन ए साइंस एंड मैथमेटिक्स, सेक्शन बी जनरल नॉलेज। सबसे पहले दोस्तों आपका सेक्शन ए में जो आएगा वो आएगा नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सेटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, हीट टेम्परेचर, मेटल नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड, वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैथमेटिक्स में दोस्तों मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन यानी जो इक्वेशंस होती हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलीनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीडियन एंड मोड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपके जो है मैथमेटिक्स के सेक्शन रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज, जो कि आपकी ज्योग्राफी,
सोइल रिवर माउंटेन पोर्ट आइलैंड हार्बर्स कल्चर एंड रिलीजन फ्रीडम मूवमेंट इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया हेरिटेज आर्ट एंड डांस हिस्ट्री डिफेंस वॉर्स एंड नेबर्स अवार्ड्स एंड ऑथर्स डिस्कवरीज डिजीज एंड न्यूट्रिशन। करंट अफेयर से भी दोस्तों आपके काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेज होते हैं, जैसे कैपिटल्स लैंग्वेजेज करेंसीज कॉमन नेम्स फुल फॉर्म्स और एब्रिवेशन से। अगला आता है एमिनेंट पर्सनैलिटीज नेशन बर्ड एनिमल स्पोर्ट्स फ्लोवर एंथम सॉन्ग फ्लैग मोनूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगले जो है आपका अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स से, जैसे चैंपियनशिप्स विनर्स टर्म्स नंबर ऑफ प्लेयर्स ट्रॉफीज, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये था दोस्तों आपका सिलेबस। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए बेस्ट बुक और किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों आप इसके लिए जो है जानी मानी बुक SK की जो है श्री कृष्णा पब्लिकेशंस की जो है बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती है दोस्तों डिफेंस में MR के लिए। या फिर दोस्तों आप जो है इसकी इस अगर ये बुक लेंगे तो दोस्तों इसमें आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और MR से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। तो अगर ये बुक पढ़ लेते हैं दोस्तों इससे बाहर काफ़ी कम चांसेस होते हैं आने के, सब कुछ इसमें आ जाता है जिके आप चाहें तो बाहर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन से भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। जौन सी आपको जो है अच्छी लगे जौन सी में आपको समझ में आए वही बुक लीजिए एक बार देखकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है पर्टिकुलर बुक पर जा सकते हैं और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सबसे लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको इस इन बुक्स के जो है लिंक मिल जाएंगे सारे, नेवी SSR AA एयरफोर्स कोस्ट गार्ड MR सब बुक्स के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आपको अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी दोस्तों। आपको जो है एक टाइम टेबल बनाना होगा रोज़ाना का, जिसमें आप जो है रिवीजन करेंगे, आप जो है सोल्व करेंगे, उसमें आप जो है अपना पूरा जो है टाइम टेबल फोकस करेंगे MR के ऊपर। तो आप सबसे पहले जो टाइम टेबल बना लीजिए ताकि आपकी जो है सेप्टेम्बर तक काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आपके जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाए और आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। अगर आप ठान लें तो दोस्तों दूर नहीं है कि आपका सिलेक्शन, तो सबसे पहले मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, तो आप जो है डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि अगर आप MR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम है आपका जो है सिलेबस आपके पास होना, उस पोस्ट के बारे में उस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल आपके पास होना ताकि आपका जो है फोकस उसी पर हो सके। तो ये बातें थी काफ़ी इंपॉर्टेंट MR के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत जाइए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए। और कोई गलती हमसे हो गई हो, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं कि ये आपने छोड़ दिया है या फिर आपने ये गलत बताया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आप हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि सेम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में आपको नोटिफिकेशन बेल दिखेगा, उसे दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड एग्जाम रिजल्ट को मिस न कर पाएं। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।